चौधरी परवेज इलाही का तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली से इस्तीफों पर नजरसानी का मशवरा। पार्लियामेंट हुकूमत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का जमहूरी फोरम है, ऐसा कहना है चौधरी परवेज इलाही का। तहरीक इंसाफ ऐवान से बाहर आकर मजीद मुश्किलात पैदा करेगी। जबकि पार्लियामान के अंदर और बाहर भरपूर अपोजिशन करनी चाहिए, ये कहना है चौधरी परवेज इलाही का। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत बताएगा मजीद क्या कहते हैं। आज बिल्कुल कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ के अरकान के लिए इस्तीफों का मामला है, क्योंकि पीटीआई जो है वो कौमी असम्बली की नशस्तों से तकरीबन उसके 130-131 अरकान इस्तीफे दे चुके हैं। तो गुज़श्ता रोज जो शान कुरैशी की चिल तवेलाई से मुलाकात हुई, उसमें चिल तवेलाई ने पीटीआई की क्यादत को मशवरा दिया है कि इस्तीफों के मामले पर पीटीआई जो है वो नजरसानी करे, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद करने का एक जमहूरी फोरम है और तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली से इस्तीफों के मामले पर नजरसानी करनी चाहिए। ऐवान के अंदर और बाहर जो है वो तहरीक इंसाफ और जो इत्तेहादी मिलकर जो है वो हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकते हैं और भरपूर अपोजिशन कर सकते हैं। इस मौके पर शामुल कुरैशी का कहना था कि वो परवेज इलाही के मशवरे से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को आगाह करेंगे। इस मौके पर परवेज इलाही ने पंजाब में जो 20 हल्कों में जमीन इंतखाब है वहां पर भी मुस्लिम काफ की जानिब से तआवुन का भरपूर यकीन दिलाया है। ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया आपका।